जी हाँ नमस्कार दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दरअसल बड़ी खबर के दौरान स्कूल के प्राचार्य पर गलत हरकत करने का आरोप लगाए गए हैं। स्कूल में पढ़ने वाली 12वीं की 2 छात्राओं ने पुलिस थाने में आवेदन दर्ज करवाया है। छात्रा को कहना है कि प्राचार्य कैबिन में बुलाकर ही गलत हरकत करते हैं और शिकायत करने पर प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल करने के लिए धमकाते हैं, लेकिन एग्जाम खत्म होने के बाद अब आवेदन दर्ज करवाया गया है। इसी दौरान यह पूरा मामला मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के सहानगर थाना क्षेत्र से निकल कर आ रहा है, जहां पर स्कूल के 2 छात्राओं ने 9 अप्रैल को थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। छात्राओं ने प्राचार्य वीरेंद्र सिंह राजपूत के खिलाफ शिकायत का आवेदन दर्ज करवाया है। छात्राओं का कहना है कि स्कूल में 2 बार प्रार्थना होती है, जिसमें छात्राओं की लाइन सीधे करने के बहाने प्राचार्य करीब आते हैं और बैड टच करते हैं। वार्षिक महोत्सव के दौरान प्राचार्य ने हमें बुलाया और रुकने के लिए भी कहा था। फोटो खिंचवाने के बहाने करीब आए हैं और वसूली करने लगे हैं। हमने विरोध किया तो पुलिस में शिकायत दर्ज करने के लिए भी बात कही थी, लेकिन प्राचार्य ने 12वीं कक्षा में फेल करने के लिए धमकाया था, जिसके दौरान अब परीक्षा एग्जाम खत्म हो गए हैं और अब दोनों ने शिकायत दर्ज करवाई है। अब पुलिस थाने में रिपोर्ट के बाद मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।